पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आजादी के इतिहास में शायद पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज कुंभ में बुलाई कैबिनेट की बैठक में सौगातों की बरसात करते हुए मेरठ से प्रयागराज जोड़ने के लिए 36,000 करोड़ रुपए की लागत से 600 किलोमीटर 6 लेन गंगा एक्सप्रेस पुल बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुंभ में आयोजित कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि हमारी कैबिनेट ने 600 किलोमीटर 6 लेन एक्सप्रेस वे के अलावा केंद्र सरकार द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी हुई फिल्म उरी को टैक्स फ्री करते हुए अब मंडी परिषद के अध्यक्ष सहित कमेटी के समस्त पदाधिकारियों का चुनाव मंडी किसानों के बीच से कराने का ऐतिहासिक ऐलान भी किया गया है, ताकि किसानों की आमदनी दुगनी हो सके। उन्होंने बताया कि अब प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज के आश्रम का सौंदर्यकरण करने के साथ साथ प्रयागराज में ही रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा लगाकर उनके आश्रम को भव्य बनाने के साथ रामायण शोध केंद्र की स्थापना की जाएगी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले 3,791 कुष्ठ रोगियों को मुख्यमंत्री आवास योजना के द्वारा निःशुल्क आवास दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि आज की कैबिनेट में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे योजना को सैद्धांतिक सहमति भी दी गई है। 296 किलोमीटर का 8,864 करोड़ रुपए की लागत का एक्सप्रेस वे है और गंगा एक्सप्रेस वे पर 36,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कुल मिलाकर कुंभ की पावन धरती पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सौगात पर सबकी नजर लगी हुई थी। अरे आप किताबें लिख दे। आज के इस ऐतिहासिक कैबिनेट की बैठक में मैं आप सभी कैबिनेट के अपने सभी सहयोगियों का मुख्य सचिव समेत सभी इस कैबिनेट से जुड़े हुए प्रशासनिक अधिकारियों का प्रयागराज